नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी का एक बार फिर से आपके ही चैनल टेक सपोर्ट इन हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिससे कि आप किसी दूर किसी रिमोटली कंप्यूटर को आराम से एक्सेस कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं और उस रिमोट कंप्यूटर को प्रॉपर एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पे देखिए एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप इसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमारा वीडियो प्ले होता है और उसके नीचे भी आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, आप उसे भी क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी और अपना सीएसएस रिलेटेड वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल, पहले सबसे फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैं नया टैब खोल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से गूगल मैं ओपन कर लेता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एनी डेस्क, ठीक है, यहाँ पे एनी डेस्क ओपन कर लेते हैं। और देखिए हमारे सामने ये खुल चुका है डाउनलोड एनी डेस्क, ठीक है, तो इसको यहाँ पर सिंपल मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये खुल चुका है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 1.6 MB का है, यानी बहुत ही हल्का है। तो यहाँ से मैंने इसको देखिए डाउनलोड किया और यहाँ से मैं अपना IDM खोल लेता हूँ, ठीक है, और देखिए यहाँ पर AnyDesk यहाँ पे है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल बहुत ही हल्का है और ये इसको इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये मेरी ID है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए ये बॉक्स जो है वो रिमोट वाले कंप्यूटर की ID है। तो अगर मान लीजिए किसी अपने फ्रेंड्स की कंप्यूटर को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उस फ्रेंड के कंप्यूटर में भी AnyDesk इंस्टॉल होना चाहिए और उनके सिस्टम में यहाँ पर देखिए जो ID है वो ID आपको पूछना होगा, ठीक है, तो पूछ करके इस बॉक्स में आपको डालना होगा, इस बॉक्स में डाल करके आपको कनेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ अपने दूसरे कंप्यूटर की ID, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 9113301 60। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, डालने के बाद यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए मैंने कनेक्ट किया। तो फ्रेंड्स आपका आपके जो फ्रेंड का कंप्यूटर है उनके कंप्यूटर पर अलाउ करने का और एक्सेप्ट करने का मैसेज गया होगा तो उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। तो चलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ इसको, ठीक है, मेरे जो कंप्यूटर का फायरवॉल है वो अलाउ करने को बोल रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उस दूसरे मेरे कंप्यूटर का यहाँ पर डेस्कटॉप खुल चुका है और यहाँ पर देखिए माई कंप्यूटर है और यहाँ पर पूरे डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स हैं वहाँ यहाँ पर दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप यहाँ पर मैं अपना डेस्कटॉप दिखा दूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा डेस्कटॉप यहाँ पे खुला हुआ है ऑलरेडी। मैं अपने डेस्कटॉप में देखिए रिफ्रेश करता हूँ और देखिए दूसरे डेस्कटॉप में भी रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर सिंपल कितने पार्टीशन है, ठीक है, इतने पार्टीशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस कंप्यूटर में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इतने देखिए दो ही पार्टीशन है, ठीक है। तो इस तरह से अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, उनके कंप्यूटर में कोई भी फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं, अब उनका भी कोई फाइल है डाटा है तो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के दूसरे अपने दूर किसी कंप्यूटर को रिमोट कंप्यूटर को बिल्कुल आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि CSC में ये इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है ज़्यादातर। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ कि आप लोगों को आने वाले टाइम में मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ जिस पर कि आप मुझसे आप बात कर सकेंगे एक निर्धारित टाइम के बीच में, और मैं आपको टेक्निकल किसी को आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसी AnyDesk के सॉफ्टवेयर पर मैं आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करके हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है। आपको जो भी परेशानी है आपके डायरेक्टली मैं कंप्यूटर पे वहाँ पे चलूँगा और वहाँ पर आप अपना यूजर ID पासवर्ड डाल करके जो भी मतलब सिस्टम होगा फ्यूचर में तो मैं आपको हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।